नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिहर। आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक पर स्वागत है। आप जानते होंगे कि हाल ही में भारत और चीन की विवाद को चुनौती देते हुए अब भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल जो तबाही कर सकती है दुश्मन को। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है सुखोई MQ-30 और क्यों ब्रह्मोस को इसमें मिलाया गया। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल अब ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। समंदर से युद्ध में ब्रह्मोस सिकंदर साबित हुई, जमीन पर वार करने में ब्रह्मोस का कोई सानी नहीं और अब आसमान में सिर्फ ब्रह्मोस का ही राज चलेगा। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 17 दिसंबर को ओडिशा तट से हवा में मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। दोस्तों, ये परीक्षण इसलिए खास है क्योंकि ब्रह्मोस का परीक्षण Sukhoi-30 MKI से किया गया है। ब्रह्मोस और सुखोई का साथ साथ ये फाइनल टेस्ट था। दोस्तों, ब्रह्मोस और Sukhoi-30 MKI के कॉम्बिनेशन से अब दुश्मन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्योंकि अब ब्रह्मोस पहले से कहीं ज़्यादा घातक और खतरनाक हो चुकी है। अब एक बार में 3200 किलोमीटर की उड़ान बनने वाली Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट को आवाज़ के रफ्तार से 3 गुना तेज स्पीड से हमला करने वाले ब्रह्मोस का साथ मिल गया। दोस्तों, ये एक ऐसा किलर कॉम्बिनेशन जो दुश्मन को मौत की गारंटी है। वैसे तो भारतीय सेना और ब्रह्मोस का रिश्ता 21 वर्ष पुराना है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागी गई। दोस्तों, सुनने में आपको ये एक सामान्य परीक्षण जैसा लग सकता है, लेकिन सुखोई और ब्रह्मोस का मारक संयोजन किया कर सकता है और कैसी तबाही ला सकता है, ये समझने के लिए उसे करीब से जानना और पहचाना होगा। भारत का सुखोई फाइटर प्लेन वाला सपना साल 2002 में साकार हुआ था, जो आज की तारीख में ना सिर्फ बेहद आधुनिक फाइटर प्लेन है बल्कि भारत की सुरक्षा लिहाज से किसी ब्रह्मास से कम नहीं। दोस्तों, सुखोई और ब्रह्मास का डेडली कॉम्बिनेशन सबसे पहली बार 22 नवंबर 2017 को टेस्ट किया गया था। निशाना पूरी तरह सटीक समंदर में खड़े टारगेट को सुखोई से दागी गई ब्रह्मास मिसाइल ने पल भर में तबाह कर दिया। दोस्तों, दूसरी बार 22 मई 2019 तो सुखोई और ब्रह्मास का टेस्ट किया गया। अब की बार टारगेट जमीन पर था, लक्ष्य का हस्र वही हुआ जो समंदर में हुआ था। दोस्तों, तीसरी बार 17 दिसंबर 2019 को सुखोई और ब्रह्मास का टेस्ट किया गया और इस टेस्ट को साथ ही सुखोई और ब्रह्मास का इंटीग्रेशन पूरी हुई। दोस्तों, भारतीय सेना अपनी ब्रह्मास मिसाइलों को Sukhoi-30 MKI की शान की सवारी कराने की योजना पर कई वर्षों काम कर रही थी। आखिरकार तमाम टेस्टिंग के बाद अब बोल लम्हा आ गया है जब दुनिया की सबसे तेजी सुपरसोनिक मिसाइलों में एक ब्रह्मास का Sukhoi-30 MKI के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। दोस्तों, ब्रह्मास को अब तक जमीन पर मौजूद लॉन्चर्स और समंदर के युद्धपोतों से छोड़ा जाता था, लेकिन अब एयरफोर्स के शानदार लड़ाकू विमान Sukhoi-30 MKI की मदद से ब्रह्मास को हवा से लॉन्च करने की आज़ादी मिल गई है।